सो फाइनली दोस्तों डंकी ने रचा इतिहास, गेटी गैलेक्सी में हो गया बवाल। पहली बार दोस्तों अभी तक की हिस्ट्री में डंकी ने 5:55 सुबह का फर्स्ट डे का शो दोस्तों फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑर्गेनाइज किया है। वेल दोस्तों इस बार भाई साहब फिर से थिएटरों में सन्नाटे देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ठंड का टाइम है और भाई साहब ठंड के टाइम में 5 बजे का मतलब जानते हो दोस्तों, 5 बजे उठना, फिल्म को देखने जाना। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो ये फैंस क्लब है, जो छपरी गैंग है दोस्तों, रात के 2 बजे ही अपने स्वेटर पहन के, अपना वो क्या बोलते हैं सूट सलवार पहन के, धोती कुर्ता पहन के और एक बोर्ड लगा के, एक लालटेन पकड़ के, मोमबत्ती घूम के भाई साहब 5:55 सुबह का वेट करेंगे और इस फिल्म को भाई साहब पूरे थिएटर में यही लोग नजर आएंगे। ये लोग क्या होगा, देखो यार 21 तारीख को क्या होगा, 5:55 पे शो रिलीज किया जाएगा और भाई साहब ये लोग रात में ही, इनकी जो पीआर टीम है रात में इनको पूरी वार्निंग दे देगी कि भाई थिएटरों में जाना एंड तारीफ करना इस फिल्म की। सुबह सुबह ये फिल्म 9 बजे निकल देखकर आ जाएंगे और आपको बता दूं कि रिव्यू क्या आएगा, बीच बीच में 6 बजे 7 बजे फाड़ू फिल्म है, जबरदस्त फिल्म है। पूरे थिएटर में सिर्फ छपरी गैंग अपने ड्रेसअप में, अपने कोड में, बोर्ड हाथ लेकर देखते रहो मूवी को। इधर दोस्तों बता दूं आपको कि इस फिल्म की हाइप बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे घंटा ही कुछ नहीं फर्क पड़ना क्योंकि इनके तमाशे अब शुरू हो चुके हैं दोस्तों। लाइक कमेंट करना, वीडियो को अंत तक देखना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार नहीं दिया तो प्यार कर लो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, बहुत सारी रिपोर्ट लेकर आओ डंकी को लेकर। सबसे पहले बता दूं कि 5:55 का शो स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो गेटी गैलेक्सी में 21 तारीख के लिए। जी हाँ दोस्तों, और जितने भी ये छपरी गैंग है इनके तमाशे शुरू हो चुके हैं। छपरी गैंग देखो यार, आप देख लो भाई, मुंबई देखो, पटना देखो, तमाम जगहों पर इनका जो फैंस क्लब है दोस्तों, कहीं ना कहीं क्या हरकतें कर रहे हैं यार। तुम फिल्म के प्रचार प्रसार कर रहे हो, कोई सब्जी बेच रहे हो या कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, अरे भाई हो क्या रहा है ये भाई। सबसे पहले तमाशे देख लो, आपको दिख रहा होगा भाई, ये लोग क्या बोलते हैं टिकटों की माला पहन रहे हैं जबरदस्त तरीके से, ऐसा लग रहा है कि अभी ही 2024 के इलेक्शन हो जाएंगे और भाई साहब ये फिल्म का प्रचार नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा चल रहा हो। जैसे कि भाई ये देखो, ये गैंग पतंगे उड़ा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है भाई साहब। मतलब चाय समोसे के लालच के लिए लोग इतने गिर सकते हैं, सॉरी 500 रुपए भी तो मिल रहा है यार, 500 रुपए के लिए तो फिर मैं भी भागू, मैं मुझे भी कोई टी शर्ट दे दो यार, मैं भी 500 रुपए के लिए लाइन में लग जाऊंगा। वेल दोस्तों को बता दूं, कॉर्पोरेट बुकिंग काफी तेजी से चल रही है, स्पीड बढ़ा दी गई है। बड़े बड़े ट्रेड पंडित दोस्तों आपको बता दूं कि वो लोग भले कि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, उनको पता है कि नेशनल चैन से बहुत ही कम टिकट बिक रहे हैं डंकी के, वहीं सलार ने भाई साहब एडवांस के मामले में भाई साहब रोड कर दिया है। कुल मिला के नॉर्थ के अंदर बता दूं तो आपको कि नॉर्थ में सलार की एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है। सेंसर बोर्ड, डंकी का सेंसर बोर्ड दोस्तों वॉक्स सिनेमा ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। मुझे पता नहीं दोस्तों फिल्म के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया है या फिर इन छपरी गिरी हरकतों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, आई डोंट नो। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि राजमंदिर सिनेमा के अंदर एक स्कैम एक्सपोज हुआ है दोस्तों। आप कई जगह देखो, मैंने मुंबई देखा हर जगह हरियाली, दिल्ली देखा हर जगह हरियाली, तमाम जगहों पर डंकी का हरा हरा दिख रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ जगहों पर भगवा भी दिख रहा है। वो भगवा क्या है, जब मैंने चेक किया भाई राजमंदिर सिनेमा का एक वीडियो देखो एक्सपोज हुआ है, मैंने देखा कि उसमें फास्ट फिलिंग हो रखा है ऑरेंज में, लेकिन जब अंदर गए तो कई लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई साहब वोट चल रहा है, मतलब कुल मिला के प्रमोशन फेक प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप देखो कि अंदर पूरा हरियाली है और बाहर बस भगवा दिखा रहा है फास्ट फिलिंग में, मतलब फुल टू फुल वोट चल रहा है दोस्तों, फुल टू फुल फेक पना दिखा रखा है, नकली पना दिखा रखा है। लोग ऑडियंस देखना ही नहीं चाहती है, डिजास्टर है डंकी, लेकिन भाई साहब कॉर्पोरेट बुकिंग कर रखी है इसलिए बुक माई शो पे हर जगह भगवा दिख रहा है, लेकिन अभी भी मुंबई दिल्ली और तमाम भाई साहब राज्यों में अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा डंकी में, इंटरेस्ट ले रहा है तो सिर्फ सलार के अंदर। उसके बाद आपको बता दूं बुक माई शो पे अभी 2,98,000 तक पहुंची है, 2,98,000 हिट है, वहां सलार 1.2 मिलियन क्रॉस करके बैठा हुआ है भाई, मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा हूं। और देखो यार, और देखो आपको बता दूं कि आपको बता दूं कि गेटी गैलेक्सी में 5:55 का ही शो क्यों रखा गया भाई। देखो 5:55 का शो इसलिए रखा गया क्योंकि 5:55 लकी नंबर है,
क्या बोलते हैं शाहरुख खान का 555। लेकिन भाई यहां लग काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां काम करेगा कि ऑडियंस कितनी जाती है थिएटर तक। आपको बता दूं दोस्तों कि डंकी के 63,464 टिकट सोल्ड आउट हो चुके, 3918 दोस्तों आपको बता दूं कि शोज है, एंड 307 एवरेज टिकट प्राइस, मतलब 2,08,00,000 का कलेक्शन कर चुकी है एज पर इस कार्निक रिपोर्ट, जो कि मुझे लगता है कि टोटली फेक है। और अभी वो सलार का कम दिखा रहा है, सलार का भी 2,01,00,000 दिखा रहा है, मतलब भाई साहब यहां डंकी को ज्यादा दिखा रहे हैं, फेकपन देखो भाई अभी कहां है यार। सलार ने पहले दिन ही 1,00,00,000 ग्रॉस में कमा लिए थे जब डंकी ने 23 टिकट बेचे थे। मतलब ये कैसे हो सकता है कि भाई अभी सलार जो है 2,00,00,000 पहुंची है और डंकी 2,08,00,000 पहुंच गई है लगभग, ठीक है। और सलार का 94,405 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो कि मामले में हर मामले में ज्यादा है, 2,080 दोस्तों शोज है, एंड एवरेज टिकट प्राइस भी ऑलमोस्ट दोस्तों बता दूं कि 250 के आसपास का है। तो दोस्तों कुल मिला के आपको बता दूं कि ये जो लोग जिस हिसाब से कॉर्पोरेट बुकिंग चल रही डंकी की, दिस इज नॉट फेयर दोस्तों। आपने स्क्रीन्स भी ज्यादा ले लिया, आप कॉर्पोरेट बुकिंग भी ज्यादा दिखा रहे हो, आप ये आंडू पांडू जैसी प्रमोशन जैसी हरकतें कर रहे हो, फिल्म कम और सब्जी मंडी ज्यादा सी हो गई है। अगर इतने ही अगर आपको इतने ही अगर प्रचार प्रसार करना है जिस हिसाब से इनकी हरकतें चल रही है दोस्तों। एक वीडियो तो मैंने ऐसे देखा कि भाई साहब प्रिंटिंग मशीन चालू है, पासपोर्ट बना रखे हैं, सबको कपड़े फ्री दिए जा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये छपरी बंदे ना काम धंधा तो है नहीं। ये लोग सोच रहे हैं यार चल 500 रुपये मिल जाएंगे, चाय समोसा मिल जाएगा, टी शर्टें भी मिल जाएगी, सलवार चुन्नी भी मिल जाएगी पहनने को, और ब्रेसलेट मिल जाएगा, टोपी मिल जाएगी, झंडे भी मिल जाएंगे, और मतलब कुल मिला के इसके लालच के चक्कर में भाई साहब सब जा रहे हैं, जबकि भाई थिएटर तक कोई नहीं पहुंच रहा। अब मजबूरी है यार, 500 रुपए दिहाड़ी मिली है तो 555 के शो में तो जाना पड़ेगा ना भाई, नारेबाजी तो लगानी पड़ेगी ना, चाहे झूठी ही क्यों ना सही। भाई 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 सलार अच्छा हुआ भाई, कुछ जो बड़े स्टार है ना जैसे कि प्रभास हो गया, सन्नी देओल हो गया, सलमान खान, भाई मैंने एक चीज देखी इनके जैसे इनकी फिल्मों में ऐसी आंडू पांडू हरकतें नहीं होती जो डंकी में मैंने देखा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि फुल टू फुल तेजी गति से कॉर्पोरेट बुकिंग चल रहा है, एंड लिटरली भाई कितने भी कॉर्पोरेट बुकिंग कर लो, ठीक है, सलार ऑलवेज ऑलवेज विन होगा दोस्तों, जीतेगा और बाजी मारेगा। और साफ साफ पता है यार, जनता को साफ साफ पता है कि फेकपना क्या है, ठीक है। तो जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, जनता सलार को देखेगी, सलार को फुल सपोर्ट है, और सलार को ही दोस्तों हमारी ऑडियंस भी सपोर्ट कर रही है। जय हिंद जय भारत। लाइक कमेंट करके बताओ दोस्तों, बताओ क्या डंकी बाजी मारेगी, क्या डंकी के फेक कॉर्पोरेट बुकिंग से आप कितने ज्यादा सहमत हो, कमेंट करके बताओ यार अभी के अभी। जय हिंद जय भारत।